आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M34 है या A34, F34 कोई भी फ़ोन है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आप यहाँ पे नीचे डाउन करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है। आप इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, मतलब क्लिक करके रखना है दबा के, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपका ऑन रहना चाहिए ताकि आपको एडिट वगैरह का ऑप्शन मिल जाए नीचे, देख सकते हैं ऐसा कुछ आता है, ठीक है, टूल बार। तो ये सॉरी, ये आपका स्क्रीनशॉट के लिए हो जाता है। आपका मेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिक्स एंड मैच है ना, स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये आपका स्क्रीन शॉट है, ये फॉर्मेट इतना, और ये लिखा है ना स्क्रीन रिकॉर्डर, इतना स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो साउंड पे आप जाएंगे तो साउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मीडिया साउंड सेलेक्ट है, तो आपके फ़ोन का जो भी रिकॉर्डेड साउंड है वो आपका रिकॉर्ड होता है। मीडिया एंड माइक कर देंगे ना, तो जो आप बोलेंगे वो साउंड और आपके फ़ोन से निकल रहा हुआ साउंड दोनों रिकॉर्ड होगा। अगर नन कर देंगे ना, तो ये म्यूट, एक तरह से साइलेंट रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो मैं इसको अभी थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ, और इसके बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आ जाता है, तो वीडियो की क्वालिटी हम हाई रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सेल्फी वीडियो साइज़, जो फ्रंट कैमरा खुलेगा ना, जो आपका फेस रिकॉर्ड करेगा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैमरा ओपन हो जाता है, आपका फेस दिखता है उसके अंदर, जो भी आप बोलते हैं तो। और इसके बाद यहाँ पे शो टैप एंड टचेस, अगर आपको टच शो करना है तो इसे ऑन कर देंगे। सेव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव करनी है वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, कैमरा में या कहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं कैमरा में डन कर दूंगी तो कैमरा में रिकॉर्ड मतलब सेव होगी। ये करने के बाद आपको बैक कर लेना है, और अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक बार टच करेंगे, फिर से एक बार कंफर्मेशन मांग रहा है आपसे साउंड का, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देंगे। रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है, अभी कैमरा नहीं खुला। तो एक बार हम यहाँ पे ऐसे करके हाइड कर लेंगे इसको, और यहाँ से पेन मिल जाता है, पेन से आप कुछ भी ऐसे करके लिख के डिनोट कर सकते हैं। और ये जो ह्यूमन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो कैमरा खुल जाएगा, खुल गया ना ये रहा। इस पे वापस से क्लिक करेंगे तो कैमरा गायब हो जाएगा। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेरे को येल्लो से डिनोट करना है, तो मैं येल्लो से ऐसे करके बता दूंगी कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इस पे आप करेंगे पेंसिल पे दोबारा से क्लिक, तो वो चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से अंडू और रीडू कर सकते हैं, अंडू यानी कि जो भी आप लिखते हैं उसको ऐसे कर देंगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा, गायब हो जाएगा। और यहाँ से पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, और इस वाले बटन पे दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव हो गई रिकॉर्डिंग, गैलरी में हम चलेंगे और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे साउंड के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।